हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास, है ना। तो ट्वेल्थ का आज हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं और कल से जो है सो धीरे धीरे चैप्टर पे उतरेंगे। तो बायोलॉजी अगर यदि पढ़ रहे हैं, देखो कोई विद्यार्थी पढ़ा है कोई विद्यार्थी नहीं भी पढ़ा है, तो टेंशन नहीं लेना है कि हम कुछ जान रहे हैं अथवा नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक देखेंगे ट्वेल्थ, और इस तरह से पढ़ेंगे कि चाहे वो एग्ज़ाम रहे, बोर्ड एग्ज़ाम रहे, या फिर जो है सो आगे चल के मेडिकल करेंगे, कोई भी चीज़ का तैयारी करेंगे, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जब बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि बायोलॉजी क्या होता है, है ना। बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी जानने के लिए ये बायोलॉजी क्या होता है, ये कहाँ से आया है, तो इन सब को जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा किसके बारे में, साइंस के बारे में। किसके बारे में, साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पे, साइंस पे। तो हेडिंग में डालेंगे साइंस, लिखो क्या लिखेंगे, साइंस। साइंस क्या होता है कोई बताओ, साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान। क्या होता है, विज्ञान। साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान। तो ये साइंस जो लिया गया है, साइंस शब्द जो लिया गया है वो कौन सा वर्ड से लिया गया है, साइंसिया से। किससे, साइंसिया से। अब ये साइंसिया का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, साइंसिया मीन्स नॉलेज। क्या होता है इसका मतलब, नॉलेज, नॉलेज। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी, है ना, कोई भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये क्रमबद्ध ज्ञान के विज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या कह सकते हैं कि विज्ञान वैसा ज्ञान है जो अध्ययन, अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त होती है। ज्ञान, विज्ञान जो है कह सकते हैं कि वैसा ज्ञान है, विज्ञान वैसा ज्ञान है, वैसा ज्ञान है जो कहाँ से आती है, अध्ययन, अवलोकन, अवलोकन, प्रयोग से प्राप्त होती है, से प्राप्त होती है। अब कैसे समझेंगे इसको, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बल्ब का खोज किया है ना, बल्ब का खोज किया है ना, कौन किया बल्ब का खोज, एडिसन, थॉमस एडिसन कह सकते हैं। अब जो ये मान के चलो कि बल्ब का खोज किया, तो डायरेक्ट बल्ब का खोज कर दिया, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है सो इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, इस पर किया ना, फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। उसके बाद फिर जो है सो इस पर थिंकिंग किया होगा कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, है ना। फिर जो है बार बार इस पर प्रयोग किया गया, कहा जाता है हजारों बार ये प्रयोग किया, उसके बाद जो है बल्ब जला, है ना। तो ये जो है सो जब बल्ब जला तो एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ, नया चीज प्राप्त हुआ, तो उसी को हम लोग कहीं ना कहीं क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार से साइंस है, है ना। तो वही चीज बताएं कि यह जो है सो अध्ययन, अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त होती है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हो गया। अगर हम साइंस की शाखा का बात करें तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपना टारगेट जो है बायोलॉजी, है ना। तो साइंस की शाखा का बात करें तो इसका शाखा कितना होता है, ब्रांचेज ऑफ साइंस, कितना शाखा होता है इसका, कौन सब, है ना, विज्ञान की शाखाएं। अब देखो जितना टीचर पढ़ाएंगे वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग से बताएंगे, कोई बताएंगे लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। अब कोई बताएंगे नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, अब कोई डायरेक्ट करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन ब्रांच में बांटा गया है, कोई ऐड कर देंगे उसमें कि मैथ को भी जो है एब्स्ट्रैक्ट में रखा जाता है, अलग से रखा जाता है। तो हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे, तो किसी भी तरह का कोई क्लास में मिले तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, है ना, कि वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, अरे सर ये बता दिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं,
इसीलिए तुम लोग को सब तरीका बता दिए। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, ये साइंस जो है साइंस को मेनली टू ब्रांच में डिवाइड किया गया है। कितने ब्रांच में? टू ब्रांच में। एक है नेचुरल साइंस। क्या? नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको? प्राकृतिक विज्ञान, जिसको तुम लोग बोलते हो लिविंग, है ना। और एक जो है सो इसमें रखेंगे फिजिकल साइंस। क्या रखेंगे? फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान, है ना। अब जो है सो यही नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है क्या? बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी। क्या आता है इसके अंतर्गत? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और इसके अंतर्गत आता है क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिकी और क्या? रसायन। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट कर लो इसको। साइंस को मेनली टू ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस, है ना। नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है बायोलॉजी और फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है फिजिक्स एवं केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट कर लो इसको। उससे भी ढेर सारा चीज़ किया जाता है ना। अब जो हम लोग देखते हैं इतना पिंड वगैरह के बारे में जो पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में, तो उसमें फिजिक्स मैथ दोनों कहीं ना कहीं है, दोनों का योगदान है, है ना। तो उसको हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साइंस के अंतर्गत। फिजिक्स मैथ भाई भाई हुआ, उसी तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी भाई भाई हुआ। समझ गया, किसी के बगैर कोई नहीं चल सकता है। अब बायोलॉजी का तुमको कुछ क्वेश्चन जो है सो फिजिक्स में भी मिलेगा। अब जैसे लेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आई ताई के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ही दोनों से मिलता जुलता है। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला हुआ है। अब देखो इसमें बायोलॉजी का बात करते हैं हम, हेडिंग में डालेंगे बायोलॉजी। ये तो हमको पढ़ना नहीं है, है ना। इसके बारे में बताएंगे फिजिक्स क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में, जो फिजिक्स वाले सर है, केमिस्ट्री वाले सर है। तो हम लोग डायरेक्ट अपना टारगेट पे चलेंगे, बायोलॉजी हेडिंग में डालेंगे बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी को यहीं से लिया गया। अब बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना है। कितने ग्रीक वर्ड से? दो ग्रीक वर्ड से। बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से मिल के बना है? दो ग्रीक वर्ड से। एक बायोस, दूसरा लोगोस। लोजी नहीं, लोगोस, है ना। अब जो है सो ये दोनों कहीं ना कहीं जो है क्या है? ग्रीक वर्ड है। अब एक नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर का, है ना रे। अब वो जो टैगोर है वो वर्तमान में टैगोर जानते हैं हम लोग, उसको कौन नाम से जानते हैं? टैगोर। लेकिन उधर के लोग जो है जब यहाँ पर जो है सो अंग्रेज भारत आए, है ना, तो उसका नाम जो है पहले था क्या? ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब जो है सो उसको ठाकुर नहीं बोला जाता था, वो ठैकोर ठैकोर करते करते टैगोर पे उतार दिया उसको, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये जो है सो उसी तरह से ये बायोलॉजी जो है बायोस लोगोस था, ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ का वर्ड उसी टाइप से था। तो यहाँ पे जब इसका मतलब निकाला गया, इसका मतलब जो है अपने लोग जो जानते हैं, बायोस मीन्स लाइफ, है ना, लोगोस मीन्स टू स्टडी। अब देखो लाइफ मतलब क्या? जीवन, सजीव, है ना। तो सजीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सजीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कुछ है इसमें? रटेंगे नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। बहुतों का दिमाग में घुसा होता है कि बायोलॉजी रटने का चीज है, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट का चीज है,
है ना, रटने से उद्धार नहीं होने वाला है। तो इसका हम अगर यदि परिभाषा देखें बायोलॉजी का, अब तो तुम बता सकते हो ये बायोलॉजी किसका है, कहीं ना कहीं साइंस का शाखा है ना, साइंस का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं इसको साइंस का वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कह सकते हैं परिभाषा में, इसका डेफिनेशन में, कि साइंस का वह ब्रांच कहीं पर भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछना है बिना सोचे समझे। साइंस का वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में, सजीवों के बारे में, किसके बारे में, सजीवों के बारे में स्टडी किया जाता है। सजीव कहे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिख सकते हो इसको इंग्लिश में भी, ब्रैकेट में डाल देना लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या, नहीं इंग्लिश, अब जो है ये मिक्स करके लिखोगे तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही है ना। शुद्ध हिंदी लिखने से कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ने से क्या होता है कि हम लोगों का टारगेट ये भी रहता है कहीं ना कहीं कि अल्फा लैंग्वेज में तुम लोगों को धीरे धीरे हम उतार दें कि आगे चल करके अगर यदि इंग्लिश मीडियम भी पढ़ो तो प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। काहे कि आगे चाहोगे मेडिकल करोगे या कोई भी चीज़ करोगे तो वहाँ तो मेन चाहिए इंग्लिश, है ना। तो अब जो है इसीलिए अब नाम जो है सो हम लोग इंग्लिश में लेंगे, है में पर से इत्यादि यही सब रहेगा हिंदी, है ना। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा इंग्लिश वर्ड में तो वहाँ देख लेंगे हिंदी भी उसका, है ना। तो लेकिन हिंदी इंग्लिश मिला के लिखने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ? बायोलॉजी किसको कहेंगे? तो कह सकते हैं कि सजीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी जब है, बायोलॉजी वर्ड है, तो कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो कि सबसे पहले बायोलॉजी को बायोलॉजी कहा होगा, है ना। तो वो कहने वाले दो साइंटिस्ट थे 1802 ईस्वी में, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। कौन? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक साइंटिस्ट ने। तो यहां पे बोलेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस नामक साइंटिस्ट ने किया। कौन किया है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस नामक साइंटिस्ट ने। कब किया है? 1802 ईस्वी में। तुम नोट नहीं करता है कहे? नोट नहीं करेगा तो कोई फायदा थोड़े है क्लास करने से, समझना तो है ही, है ना। और नोट भी करोगे तो इसी टाइप से कॉपी में लिखना है, हिस्ट्री के तरह नहीं, है ना। तो ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। कब? 1802 ईस्वी में। अब कहेगा बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है? तो क्या हो जाएगा? अरस्तू, है ना। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जनक अरस्तू को कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल, है ना, अरिस्टोटल कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तू को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया है? लेमार्क और
ट्रेविरेनस ने किया है, कब किया है 1802 ईस्वी में, कब किया है 1802 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो, अब हम लोग देखेंगे यहां पे बायोलॉजी का शाखा है ना, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, क्या देखेंगे, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं इसका रे, कौन कौन सब, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। पहले के समय में इसका दो शाखा हम लोग पढ़ते थे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, लेकिन न्यू पैटर्न के आधार पर एक और ब्रांच को ऐड किया गया है इसमें, जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। पहले इसके लिए अलग से शाखा नहीं था, लेकिन अब इसके लिए जो है सो एक शाखा अलग से हो गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कौन कौन सब, जूलॉजी, दूसरा बोटनी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी का हिंदी क्या होता है, जंतु विज्ञान, या इसी को क्या बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, प्राणी विज्ञान। बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, या इसी को हम क्या कहेंगे, पादप विज्ञान। क्या कहेंगे इसको, पादप विज्ञान। क्या कहेंगे इसको, पादप विज्ञान। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा अगर यदि हम बात करें तो इसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना? अब देखो, बायोलॉजी को तीन ब्रांच में बांटा गया है, जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी मतलब क्या कहें अभी, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अब देखो, अगर जूलॉजी का बात करते हैं तो जूलॉजी कितना वर्ड से मिलके बना है, समझो यहाँ है ना, जूलॉजी कितने वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से। एक होता है क्या, जून, और दूसरा लोगोस। अब देखो, हम लोग जू जाते हैं किस लिए, चिड़ियाघर किस लिए जाते हैं, जंतुओं को देखने के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जू मीन्स क्या होता है ना, एनिमल, और लोगोस मतलब अभी तो तुरंत देखे, टू स्टडी, मतलब एनिमल के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे। अगर इसी को सजा के लिखो थोड़ा सा, तो जूलॉजी किसका ब्रांच हो गया, जूलॉजी किसका ब्रांच हो गया, बायोलॉजी का। किसका ब्रांच हो गया, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में, एनिमल के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी। कुछ है इसमें है ना, तो इसी का हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में है ना, डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का वह ब्रांच, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में, किसके बारे में, एनिमल्स यानी जंतुओं के बारे में, किसके बारे में, जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाता है,
जूलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। अब अगर यदि हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी का, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब क्या? प्राणी विज्ञान का, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, है ना। अब देखें ऊपर में बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है और जूलॉजी का भी जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को, है ना। दोनों का जनक कौन है? अरस्तु ही है। उसके बाद है दूसरा क्या है? बोटनी। तीनों को देख लेते हैं, है ना। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। बोटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? प्लांट्स के बारे में तो डायरेक्ट कह सकते हैं, है ना। बायोलॉजी का वह ब्रांच, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है, बोटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है बोटनी कहलाता है। और फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी कौन है? कौन है? हिंदी में ही लिख देते हैं, थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। कैसे उच्चारण करेंगे? थियोफ्रेस्टस। क्या बोलेंगे? थियोफ्रेस्टस, है ना। बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। क्या और एक ब्रांच इसका कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इतना करने के बाद भी समझ में आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब अगर यदि हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का बात करें तो कह सकते हैं माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और बायोलॉजी मैंने जीव विज्ञान जानते हैं, है ना। मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आता है? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रियोन, वायरवाइड, ये सब जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यानी डायरेक्ट जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव, है ना। जिस जीव को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। तो कह सकते हैं बायोलॉजी का वह शाखा, बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जनक, माइक्रोबायोलॉजी का जनक
कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो हम लोग क्या देखें, एक बार यहाँ से देखो, है ना, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। या फिर विज्ञान को कह सकते हैं कि वैसा ज्ञान, या है ना, वैसा ज्ञान जो अध्ययन अवलोकन प्रयोग से प्राप्त होती है, है ना। तो वही चीज़ है विज्ञान जो है, ये कौन सा शब्द से आया ग्रीक भाषा के? साइंटिया से। और विज्ञान को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है? टू ब्रांच में। कितने ब्रांच में? टू ब्रांच में। कौन कौन सब? नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। नेचुरल साइंस जो है, नेचुरल साइंस के अंतर्गत कौन आता है? और फिजिकल साइंस के अंतर्गत किसको रखेंगे? अब देखो, यहाँ बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है ये कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड से। कौन कौन? बायोस और बायोस और बायोस जो है ये कहाँ से? ये दोनों वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड। बायोस और लोगोस कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड। बायोस मीन्स क्या होता है? बायोस मीन्स, लोगोस मीन्स, लोगोस मीन्स टू स्टडी। अब देखो इसमें अगर इसका हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो कह सकते हैं साइंस का वह शाखा या वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में स्टडी किया जाता है? सजीवों के बारे में, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब कहेगा बायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सजीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? कब किया गया था? याद हो जाएगा, बोलो, है ना। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था वो कौन किया था? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी की शाखा का बात करें तो बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा गया है? थ्री ब्रांच में। कौन कौन सब? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना। इसको यहीं पर देखते हैं, जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? अभी तुरंत बोले, किसके बारे में? एनिमल के बारे में। जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? एनिमल के बारे में जिसे स्टडी किया जाता है क्या कहते हैं? और बॉटनी में किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी किया जाता है क्या कहते हैं? है ना। और प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे? एनिमल के बारे में जो स्टडी किया जाता है। अब कहेगा फादर ऑफ जूलॉजी कौन? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बायोलॉजी में किसके, जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? एनिमल्स के बारे में, है ना। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? और बॉटनी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। और बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। और माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के बारे में। और इसका जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आज का क्लास यहीं तक, कल देखेंगे इससे आगे। जय हिंद।